बच्चों तो कैसे हैं आप सब। हम तो एकदम ठीक मस्त हैं, बिंदास हैं। और आज के सेशन में हम लेकर आए हैं काइनेमेटिक्स, बेसिक मैथ का सेकेंड पार्ट। इंटीग्रेशन होगा यहाँ पे क्लास 11 फॉर फिजिक्स के लिए हम देखेंगे। समाकलन, इंटीग्रेशन, इसी को बोला जाता है एंटी डेरिवेटिव। तो आइए, समाकलन होता क्या, एंटी डेरिवेटिव क्या होता है, डेरिवेटिव का जस्ट अपोजिट। जो हमारा डेरिवेटिव था, अवकलन था, उसका जस्ट अपोजिट होता है। अब समाकलन हमारे दो तरह के होते हैं, एक फर्स्ट टाइप है और एक सेकंड। फर्स्ट है जिसको बोलते हैं अनिश्चित समाकलन, इनडिफिनिट इंटीग्रल, और दूसरा है निश्चित समाकलन, डिफिनिट इंटीग्रल। फिजिक्स में अधिकतर मैक्सिमम केसों में डिफिनिट इंटीग्रल का ही यूज होता है, निश्चित समाकलन का। लेकिन जब हम अनिश्चित जान लेंगे तभी निश्चित को समझ पाएंगे कि होता क्या है। तो अब अनिश्चित समाकलन से हमको मिलता क्या है, फैमिली ऑफ कर्व, वक्रों का परिवार। बकरों का नहीं, वक्रों का, वक्रों का परिवार, बकरों का परिवार नहीं है ये, वक्रों का फैमिली ऑफ कर्व। अनिश्चित समाकलन हमको क्या देता है, एरिया अंडर कर्व। अपने अगर कोई कर्व है तो उसके नीचे की कितनी एरिया है, इससे हमको ये मिलता है। अब कुछ हम लोग फॉर्मूली देखेंगे। तो आइए यहाँ पे अवकलन ले लेते हैं, और अवकलन का अपोजिट, जस्ट अपोजिट, एंटी डेरिवेटिव जिसको समाकलन कहा जाता है, समाकलन लेते दे लेते हैं एक साइड में। तो अवकलन का फर्स्ट फॉर्मूला डी बाई डी एक्स, एक्स पावर एन प्लस वन अपॉन एन प्लस वन इक्वल टू एक्स पावर एम। एक्चुअल में डी बाई डी एक्स, एक्स पावर एन हम लोग पढ़े थे, एन प्लस वन आगे आ गया था और उसमें से एक पावर कम हो गया था। इसमें भी वही काम हम कर सकते हैं। यहां से आप देखें तो n प्लस, अगर हम इसको डिफ्रेंशिएट करें तो n प्लस वन डी बाई डी एक्स, डी बाई डी एक्स तो हमारा कैंसिल आउट हो जाएगा, अब डी बाई डी एक्स नहीं लेना है। यहां से एक पावर कम कर दें, अपान में तो n प्लस वन है ही है, n प्लस वन है, और यहाँ पे हो गया एक्स पावर n प्लस वन माइनस। अब वन ने वन को मार दिया, n प्लस वन, तो कितना मिल गया हमको, एक्स पावर n मिल गया, यानी वही सेम रिजल्ट मिला। तो ये अब इसका एंटी डेरिवेटिव क्या होगा, समाकलन क्या होगा, एक्स पावर एन डी एक्स इक्वल टू एक्स पावर एन प्लस वन अपॉन एन प्लस वन प्लस ही। अब अवकलन के तो हम लोग इसके पार्ट में, फर्स्ट पार्ट में देखे, उसमें बहुत सारे एग्जाम्पल्स भी किए। अब कुछ समाकलन के कुछ एग्जाम्पल्स लेते हैं यहाँ पे। फर्स्ट एग्जाम्पल्स है हमारा कि अगर एक्स पावर सेवन हो, एक्स पावर सेवन का इंटीग्रेशन, तो आप देखें अगर इस फॉर्मूले को अगर हम अप्लाई करते हैं तो यहाँ पे क्या मिला है, एन प्लस वन अपान एन प्लस वन, यानी जितना यहाँ पे पावर है उस पावर में एक एड हो रहा है, वही पावर नीचे भी हो रहा है। तो यहाँ पे हमारे पास पावर कितना है, सेवन, तो सेवन प्लस वन अपान में सेवन प्लस वन हो गया, यानी एक्स पावर एट अपान एट प्लस। अब यहाँ पे प्लस सी का क्या मतलब है, तो यही बात मैंने कहा कि ये क्या देता है, जो हमारा अनिश्चित समाकलन है, वक्रों का परिवार। तो अब अगर एक्स पावर सेवन, यहाँ पे देखें कि अगर हम एक्स पावर सेवन प्लस अगर सी का हम करते हैं तो हमको रिजल्ट सेम वही मिलेगा, वन बाई एट एक्स पावर एट, सेम रिजल्ट वही मिलना है। अगर एक्स पावर सेवन प्लस थ्री का अगर इंटीग्रेशन करते हैं तो हमको उतना ही यही रिजल्ट मिलेगा। एक्स पावर सेवन प्लस फाइव, एक्स पावर सेवन प्लस एट किसी का भी करें तो हमको रिजल्ट उतना ही मिलता है। इसलिए यहाँ पे एक कांस्टेंट हम जोड़ देते हैं और इसको बोला जाता है इंटीग्रेशन कांस्टेंट, समाकलन नियता। ये हमारा समाकलन नियता। एक और एग्जाम्पल हम लेंगे, एक्स पावर थ्री डी एक्स इक्वल टू एक्स पावर थ्री प्लस वन, एक्स पावर थ्री प्लस वन अपॉन थ्री प्लस वन प्लस सी। सी तो रखना है इसमें, जो हमारा इनडिफिनिट इंटीग्रल होगा, अनिश्चित समाकलन होगा, उसमें हमको सी रखना, इसीलिए फैमिली का। अब सी की वैल्यू कुछ भी हो सकती है, वन हो सकता है, टू हो सकता है, थ्री हो सकता है, फोर हो सकता है। जब हम इसका इंटीग्रेशन का डेरिवेटिव, अगर इस टर्म का डेरिवेटिव निकाल दें तो हमको यही चीज मिल जाएगा, एक्स पावर थ्री ही मिल जाएगा। अभी एक और एग्जाम्पल्स लेते हैं, एक्स पावर वन डी एक्स, एक्स पावर वन प्लस वन अपॉन वन प्लस वन प्लस सी। तो अब वन प्लस वन टू हो गया अपॉन टू प्लस सी। अब एक और देखेंगे, अब यहाँ पे डी बाई डी एक्स, एक्स अगर एक्स है, पावर वन है, तो इसका जो डेरिवेटिव मिलता है वन होता है, डी एक्स अपॉन डी एक्स दिख रहा है कि वन होगा। अगर एक्स पावर एन का फॉर्मूला यूज करते हैं तब भी हमको वही मिलेगा। अब यहाँ पे अगर इसका हम एंटी डेरिवेटिव वन का निकालें तो हमको क्या मिलना चाहिए, एक्स मिलना चाहिए। तो वन को हम लिख सकते हैं एक्स पावर जीरो,
dx, और इसको हम यूज करें फॉर्मूले को यहां से, तो हमको मिलेगा x पावर 0 प्लस 1 अपॉन 0 प्लस 1 प्लस ई, x पावर 0 प्लस 1 मतलब x पावर 1 अपॉन 1, तो x मिल गया, ये हमको मिल गया। सिमिलरली हम यहां से ले सकते हैं, अब ये देखें कि ये फिजिक्स में काफी इंपॉर्टेंट होता है इस फॉर्मूले का, या यहाँ पे कहें कि इसका काफी यूजफुल होता है ये फॉर्मूला, यूज हो फिजिक्स में बहुत जगहों पर यूज है, 1 अपॉन x पावर 2 dx। अब 1 अपॉन x पावर 2 को हम x पावर -2 dx कर सकते हैं, तो x पावर -2 dx, इसको हम लिखें x पावर -2 प्लस 1 अपॉन -2 प्लस 1, तो x पावर -1 अपॉन -1, x पावर -1 को हम कितना लिख सकते हैं, 1 अपॉन x लिख सकते हैं, 1/x लिख सकते हैं, तो यहां से -1 अपॉन x प्लस e, ये फॉर्मूला काफी फिजिक्स में यूज होगा, हर जगह इसका इस्तेमाल होता है, जब हम लोग यूनिट फर्स्ट में पढ़ते हैं तो वहां पे समाकलन इंटीग्रेशन करना पड़ता है, समाकलन करना पड़ता है, जब क्लास 12 में आएंगे तो ये काफी यूजफुल होगा। अब आते हैं हम लोग d/dx, ये हमारा डेरिवेटिव का बेसिक फॉर्मूला था, d/dx x^n = n(x)(n-1। अब यहाँ पे हम लोग लेते हैं d/dx e^x, एक्सपोनेंशियल फंक्शन e^x, अब इसका एंटी डेरिवेटिव समाकलन करते हैं तो हमको मिल जाएगा e^x + c। अब समाकलन का नोटेशन भी आप देख रहे हैं कि ये सांप जैसे कुछ आकृति है, तो हल्का सा टर्न करें तो यस जैसे समाकलन का नोटेशन होता है। अब आते हैं d/dx log x/c = होता है 1/x, यानी 1/x का इंटीग्रेशन होगा log x/e + c। सिमिलरली d/dx sin x = होगा cos x। अब इसका एंटी डेरिवेटिव cos x का एंटी डेरिवेटिव होगा sin x + c। d/dx -cos x का होता है sin x, तो d/dx यहां से अब sin x का एंटी डेरिवेटिव हो जाएगा -cos x + c। d/dx sin x = sec²x, अब sec² को अगर हम एंटी डेरिवेटिव निकालेंगे तो क्या मिलेगा, मिलेगा tan x + c। d/dx -cot x = cosec²x, और cosec² का समाकलन जो हो जाएगा वो हो जाएगा -cot x + c। अब यहाँ पे आते हैं हम लोग d/dx sec x = sec x × tan x, मैक्सिमम फॉर्मूले यूज होते हैं, ट्रिगो फंक्शन या इनवर्स ट्रिगो फंक्शन के फिजिक्स में फॉर्मूले बहुत कम यूज होते हैं, कहीं कहीं पे यूज होते हैं, लेकिन इसको जान लीजिए, केवल फॉर्मूले ही आप इसको लर्न कर लेंगे। तो अब यहाँ पे d/dx sec, यानी d/dx sec x का अवकलन कितना है, sec x × tan x, तो इसका अगर हम एंटी डेरिवेटिव निकालें तो हमको क्या मिल जाएगा, sec x। d/dx -cosec x = cosec x cot x, इंटीग्रेशन cosec x cot x dx = -cosec x + c। अब लेते हैं d/dx sin इनवर्स x का 1/√1 − x², यानी इसका हम इंटीग्रेशन करें 1/√1 − x² dx, तो हमको मिलेगा sin इनवर्स x + c। अब कॉस का देख लेते हैं, d/dx − cos inverse x = 1/√1 − x², तो इसी का अगर हम करते हैं तो 1/√1 − x² dx = −cos inverse x + c, ये हमको मिल जाएगा रिजल्ट। अब ये साइन का और कॉस का तो सेम है, अब आप 1/√1 − x² dx का sin inverse x लिखें चाहे −cos inverse x लिखें, सेम। अब आते हैं d/dx tan inverse x लेते हैं, तो 1/1 + x², अब 1/1 + x² का इंटीग्रेशन हो जाएगा tan inverse x। अब निगेटिव यही निगेटिव लें तो −cot inverse x हो जाएगा, तो यहाँ पे d/dx − cot inverse x का होता है 1/1 + x², इसी को हम लिख सकते हैं इंटीग्रेशन 1/1 + x² dx = −cot inverse x + c। d/dx sec inverse x = 1/x√x² − 1, अब इसको अगर एंटी डेरिवेटिव निकालते हैं तो 1/x√x² − 1 dx = sec inverse x। d/dx − cosec inverse x = 1/x√x² − 1, इंटीग्रेशन लेंगे 1/x√x² − 1 dx = cosec inverse x + c। d/dx a^x / log a/c का होता है a^x। अब अगर हम a^x का एंटी डेरिवेटिव लेते हैं तो a^x / log a/c + c। अब कुछ इसके देखते हैं, dx/x² − a² dx = 1/2 log, ये तो मैग्नीट्यूड होता है, x − a/x + a + c। अगर आपके पास सपोज करें, अब ये हम सपोज कर लें कि यहाँ से हमारे पास एक फंक्शन है और कुछ इस तरह से 1/(x²−9) और dx, इसका हमको इंटीग्रेशन करना है, तो कैसे करेंगे, 1/, पहले इसको हम बना ही लेते हैं, 1/
एक्स स्क्वायर माइनस थ्री का स्क्वायर और यहाँ लिख दिया, ठीक है। अब ये इसको हम लिख सकते हैं वन अपॉन टू ए, ए की वैल्यू कितनी है थ्री, फिर कितना हो गया ला मैग्नीट्यूड एक्स एक्स माइनस थ्री अपॉन एक्स प्लस थ्री, ऐसे लग जाएगा आपका। और प्लस यहाँ पे इंटीग्रेशन कांस्टेंट जोड़ देंगे तो वन अपॉन सिक्स लॉग एक्स माइनस थ्री अपॉन एक्स प्लस थ्री। सिमिलरली डीएक्स अपॉन ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर डीएक्स होता है तो वन अपॉन टू लॉग ए प्लस एक्स अपॉन ए माइनस एक्स प्लस सी। डीएक्स अपॉन ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर डीएक्स ये नहीं रहेगा, वन अपॉन ए टेन इनवर्स एक्स बाई ए, ये भी एक फॉर्मूला है। डीएक्स अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर डीएक्स इक्वल टू साइन इनवर्स एक्स बाई ए प्लस सी। अब यहाँ पे सपोज कर लें कि यहाँ पे आपको ऐसे आ जाए कि यहाँ पे फोर माइनस एक्स स्क्वायर, ये मान लें कि इसका आपको इंटीग्रेशन करना है, तो आप क्या करेंगे इसको ऐसे अरेंज कर लेंगे टू का होल स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर और डी एक्स। अब ये हमको मिल रहा है साइन इनवर्स एक्स बाई ए, तो एक्स बाई टू, और यहाँ पे इंटीग्रेशन कांस्टेंट लगा देंगे। तो इस तरह से आप कर सकते हैं। अब आते हैं डी एक्स अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर डी एक्स इक्वल टू लॉग एक्स प्लस रूट एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर प्लस ए। यहाँ पे काफी कंफ्यूजन होता है, आप जहाँ पे स्टडी करते हैं स्टडी रूम में सारे फॉर्मूले लिख कर अपने दीवार पर वॉल पर चिपका दें, और जब भी आप उधर आपकी निगाह जाए एक बार उसको देख लें तो ये क्लियरिटी बनी रहेगी, क्योंकि यहाँ पे एक ही तरह के बहुत सारे पैटर्न बनते हैं, तो उसको क्लियर करना है कि कौन कब क्या रहेगा, तो कौन सा हमको फॉर्मूला यूज करना है। या आप लेते हैं कि अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस ए ए स्क्वायर डी एक्स इक्वल टू एक्स बाई टू अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस ए ए स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर अपॉन टू लॉग एक्स प्लस अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस ए प्लस ए। अगर यही फॉर्मूला प्लस में हो अगर ये पहले हो जाए तो ए स्क्वायर माइनस डी एक्स इक्वल टू एक्स बाई टू अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर बाई टू साइन इनवर्स एक्स बाई ए। तो ये इसमें और इसमें देखिए थोड़ा सा अंतर है, बस ये आगे आ गया तो यहाँ का पैटर्न चेंज हो, ये वाला पोर्शन चेंज। सिमिलरली हम यहाँ पे लिखते हैं अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर डी एक्स, तो एक्स बाई टू अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर बाई टू लॉग एक्स प्लस अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर प्लस ए, ये हमको मिल गया। अब लेते हैं ई पावर एक्स मैग्नीट्यूड एफ एक्स प्लस एफ प्राइम एक्स डी एक्स इक्वल टू ई पावर एक्स एफ एक्स प्लस ए। अब यहाँ पे इस कॉन्सेप्ट को थोड़ा आपको सीखना है कि अब ये मान लें कि ऐसे अगर आपको मिल रहा है ई पावर एक्स और साइन एक्स, और इसका इसका डिफरेंशिएशन या प्राइम का मतलब डिफरेंशिएशन, तो साइन का डिफरेंशिएशन क्या होता है कॉस एक्स, और यहाँ पे डीएक्स लग गया तो आपको कुछ नहीं करना है ई पावर एक्स ले लेंगे और फिर क्या है एफ एक्स, एफ एक्स का मतलब साइन एक्स और प्लस लगा देंगे सी, ये आपका रिजल्ट होता है। अब आते हैं हम लोग ए एक्स प्लस बी पर एन डीएक्स। अब देखें ये सिंपल है, अभी हम लोगों ने देखा एक्स पावर एन प्लस वन अपॉन या ऐसे कह लें एक्स पावर एन और डी एक्स इक्वल टू हम लोग को मिला था एक्स पावर एन प्लस वन अपॉन एन प्लस वन। तो अब इसमें क्या करते हैं कि ए एक्स प्लस बी, तो हमारे पास तो एक्स यहाँ दिख रहा है कि एक्स पर पावर एन है बट इसके साथ ए और बी भी जुटे हुए हैं, तो करें क्या। अब अगर यही चीज डिफ्रेंसिएशन में होता तो डिफ्रेंसिएशन में अगर ये डी बाई डी एक्स होता और ए एक्स प्लस बी पावर एन होता तो हम लोग करते क्या कि जो एक्स का कोफिशियंट है, एक्स का कोफिशियंट है उसको मल्टीप्लाई कर लेंगे और ए एक्स प्लस बी पावर एन माइनस वन और एन आ दिया जाएगा, ये रिजल्ट हो जाता। लेकिन जब यही इंटीग्रेशन की बात आएगी तो जो एक्स का कोफिशियंट है वो डिवीजन में आता है भाग में आता है, ये बात आपको ध्यान देना। डिफ्रेंसिएशन में मल्टीप्लाई होता है, इंटीग्रेशन में डिवाइड होता है। डिफ्रेंसिएशन में क्या होता है मल्टीप्लाई होता है, इंटीग्रेशन में क्या होता है डिवाइड होता है, ये आपको ध्यान देना। अब इंटीग्रेशन बाई पार्ट अगर डबल फंक्शन हो तो कैसे करेंगे वो हम लोग देख लेते हैं। यू वी डी एक्स इक्वल टू यू वी डी एक्स माइनस इंटीग्रेशन डी बाई डी एक्स यू इंटीग्रेशन वी डी एक्स डी एक्स, यानी यहाँ पे समझे कि जब हम लोगों ने डिफ्रेंसिएशन का पार्ट देखा था अवकलन का पार्ट तो वहां पे भी डबल फंक्शन का देखेगा, लेकिन वहां पे फर्स्ट और सेकंड चुनने की हमको क्या थी आजादी थी स्वतंत्रता थी, बट यहाँ पे आजादी नहीं है, आपको सेलेक्ट करना पड़ेगा कि किसको हम फर्स्ट माने और किसको सेकंड। तो इसका एक फॉर्मेट होता है, अगर उस फॉर्मेट को लर्न करते हैं और एक बात और भी बता दें कि जो क्लास 11 हो फिजिक्स का या क्लास 12 का हो डबल इंटीग्रेशन डबल फंक्शन का इंटीग्रेशन फिजिक्स में यूज नहीं होता है, एक्सेप्शनल में कुछ जगहों पर इसकी नीड्स होती है जरूरत होती है,
इसलिए हमने इस टॉपिक को भी इसमें रखा। अब फर्स्ट किस को, यहाँ पे हमने फर्स्ट यू को माना है और वी को माना है सेकंड। तो जिसको हम फर्स्ट मानेंगे उसको बाहर निकाल लेंगे और सेकंड फंक्शन का इंटीग्रेशन कर देंगे। फिर माइनस डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट फंक्शन, यहाँ पे देखें डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट फंक्शन डी बाई डी एक्स यू, और फिर सेकंड, यहाँ पे फर्स्ट फंक्शन हो गया और ये सेकंड फंक्शन का, और अभी इंटीग्रेशन खत्म नहीं हुआ, इंटीग्रेशन लगा हुआ है यहाँ पे, तो इंटीग्रेशन लास्ट में फाइनली हमको करना पड़ेगा। अब फर्स्ट और सेकंड चुनने का रूल क्या है वो देखते हैं। चूज यू इन दिस ऑर्डर, यू फर्स्ट फंक्शन को आप कैसे चूज करेंगे। आईलेट एक शब्द है, आईलेट कोई डिक्शनरी का शब्द नहीं है, एक लर्न करने का तरीका है कि कैसे आप लर्न करेंगे। तो आई मीन्स इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, इनवर्स ट्रिगो फंक्शन, जैसे साइन इनवर्स एक्स, कॉस इनवर्स एक्स, टैन इनवर्स एक्स, कॉट इनवर्स एक्स, ये सब। एल मीन्स लॉगरिथमिक फंक्शन, और लॉगरिथमिक फंक्शन में आपको कैसे होगा लॉग, अब यहाँ पे एक्स बेस ई हो सकता है, बेस 10 हो सकता है, दोनों यही होते हैं। तो लॉगरिथमिक फंक्शन, अगर एल्जेब्रिक फंक्शन, एल्जेब्रिक का मतलब हो गया एक्स, एक्स स्क्वायर, एक्स क्यूब, ये सब के सब एल्जेब्रिक फंक्शन है। फिर आप ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन ले लें, तो ट्रिगो में साइन कास टैन काट सेक कोसेक यही छह है, तो ये हो। और ई का मतलब एक्सपोनेंशियल फंक्शन, एक्सपोनेंशियल फंक्शन का मतलब हुआ ई पावर एक्स हो, ए पावर एक्स हो, टेन पावर एक्स हो, ये सब के सब क्या है एक्सपोनेंशियल फंक्शन, चर घातांकी जिसको बोलते हैं। यानी ये क्रम, अगर दो फंक्शन है और ये आपको ऑर्डर चेक करना होगा, तो जब ऑर्डर चेक करेंगे उसमें तब आप फर्स्ट और सेकंड आपको चुनना होगा। ये थोड़ा सा स्टैंडर्ड हो रहा है इसलिए मैंने एक इस पर बेहतर एग्जाम्पल्स ले रखा है। आइए यहाँ पे ले लेते हैं एक एग्जाम्पल्स, एक्स साइन थ्री एक्स। अब पहले आपको आईलेट याद करना है, आईलेट याद कर ले। आई मीन्स इनवर्स ट्रिगो फंक्शन नहीं दिख रहा है तो हमको कोई प्रॉब्लम नहीं, यल मीन्स लॉगरिथम नहीं दिख रहा है, एलजेब्रिक एलजेब्रिक मतलब दिख रहा है, तो इसको हम मान लेंगे फर्स्ट और इसको मान लेंगे सेकंड, क्योंकि एलजेब्रिक के बाद ट्रिगो फंक्शन आ रहा है। बस हो गया काम, यहीं पे खेल खत्म, जब फर्स्ट और सेकंड चेक कर ले। अगर मान ले ई पावर एक्स है और साइन एक्स है डी एक्स है, अब इसमें फर्स्ट सेकंड चेक करना है आपको, तो एक्सपोनेंशियल और ट्रिगो आपको चेक करना है। तो ट्रिगो पहले आ रहा है मीन्स इसको फर्स्ट मान लेंगे, इसको सेकंड। अब यहाँ पे कभी कभी ये रूल का वो हो जाता है, पलीदा निकल जाता है, लेकिन बेस्ट कॉन्सेप्ट है, इससे लगभग 80% क्वेश्चन इस पर हो जाते हैं, तो आपको क्वेश्चन तो करने नहीं है। आप ये यूज भी जब हायर क्लासेस जाते हैं या कोई कंपटीशन की प्रिपरेशन करते हैं तब इस डबल फंक्शन का फिजिक्स में यूज होता है, अदरवाइज डबल फंक्शन का यूज फिजिक्स में नहीं होता है। अगर आप सिर्फ बोर्ड लेवल के एग्जाम की परीक्षा की प्रिपरेशन करना है तो इसकी जरूरत नहीं है, आप इसको स्किप करके आगे भी बढ़ सकते हैं, तो लेकिन देख लें तो अच्छा है, बेहतर है। ज्ञान कहते हैं कि जो ज्ञान है वो किसी रूप में मिले उसको ग्रहण कर लेना चाहिए, तो आप ग्रहण कर सकते हैं। अब ये तो हो गया, अगर यही बात इस तरह से होता है ई पावर लॉग एक्स, तो अब और यहाँ पे डी एक्स, तो एक्सपोनेंशियल है, लॉगरिथमिक फंक्शन है, तो लॉगरिथमिक पहले आ रहा है एक्सपोनेंशियल बाद में, तो इसको हम फर्स्ट मान लेते और इसको सेकंड मान लेते, इस तरह से हम आगे बढ़ते चले जाए। अब यहाँ पे फर्स्ट माना तो फर्स्ट को हम छोड़ देते हैं, सेकंड का इंटीग्रेशन करेंगे माइनस, अब जिसको हमने छोड़ा सेकंड में क्या हुआ उसका डेरिवेटिव डी बाई डी एक्स एक्स, और फिर ये साइन थ्री एक्स डी। अब आपको थ्री एक्स साइन एक्स का हमने बताया था आपको, साइन एक्स का डी एक्स कितना माइनस कास एक्स, ये होता है, लेकिन थ्री हो जाए यहाँ पे या साइन ए एक्स हो जाए यहाँ पे और इसका आपको इंटीग्रेशन करना है, तो कुछ नहीं करना है, सब कुछ वही रहेगा, बट जो एक्स का कोफिशियंट है वो कहाँ पे आ जाएगा, डिवीजन में आ जाएगा, बस यही ध्यान रख। तो एक्स तो ये हो गया, अब ये कहाँ पे आ गया, थ्री नीचे आ गया, माइनस एक्स का डिफरेंशिएशन वन और माइनस कास थ्री एक्स अपॉन थ्री डी एक्स, ये माइनस इस माइनस को क्या किया प्लस किया, तो हम लोग प्लस ले लेंगे, तो माइनस एक्स कास थ्री एक्स अपॉन थ्री प्लस वन बाई थ्री को कास थ्री एक्स डी एक्स, और कास एक्स का डी एक्स इंटीग्रेशन कितना था साइन एक्स, ये था ले लिया हमने, तो साइन एक्स अब थ्री यहाँ पे अपान में आ जाएगा, तो माइनस एक्स कास थ्री एक्स अपॉन थ्री प्लस वन बाई थ्री साइन थ्री एक्स अपॉन थ्री, और ये हो गया हमारा प्लस, ये फाइनल रिजल्ट हो गया। अब आते हैं हम लोग कुछ एग्जाम्पल्स करते हैं, तब आगे हम लोग पढ़ेंगे। एक्स पावर टू बाई थ्री प्लस वन डी एक्स, तो ये तो फार्मूला हम लोग पढ़ लिए, एक्स पावर एन डी एक्स इक्वल टू एक्स पावर एन प्लस वन अपॉन एन प्लस वन और प्लस सी, ये हो गया।
अब इसको हम अलग अलग कर लेंगे दोनों फंक्शन को, एक्स पावर 2/3 dx प्लस 1 dx। अब 2/3 में 1 ऐड होगा वही डिवीजन में आएगा, तो ये हो गया। अब 1 का भी हम लोग देख चुके हैं x था, तो x प्लस ई। अब इसको आप ऐड करें तो 2/3 प्लस 1 कितना हुआ 5/3, और ये 5/3, 3 रेसिप्रोकल होकर ऊपर गया, तो 3/5 x पावर 5/3 प्लस x प्लस ई, ये हो गया। अब और ले लेते हैं यहाँ पे एग्जाम्पल्स, तो एक एग्जाम्पल्स ये है x^3/2 + 2e^(x − 1/dx). अब सबको अलग अलग आप कर दीजिए, तो x^3/2 dx + 2e^(x − 1/dx). अब ये 2 कांस्टेंट टर्म है तो ये बाहर आ जाएगा इंटीग्रेशन से। अब x^3/2 सेम वही फॉर्मूला, x^3/2 + 1, 3/2 + 1 प्लस 2e^(x) का e^(x) और 1/x का होता है log x। तो ये अभी इसको ऐड किए तो 5/2, 2 ऊपर गया, 2/5 x^5/2 प्लस 2e^(x) − log x / e + c, ये हमको मिल गया। अब आते हैं हम लोग डेफिनेट इंटीग्रल पर, एरिया अंडर कर्व। ये क्या देता है, एरिया अंडर कर्व। अगर हमारे पास सर्किल है तो हम एरिया फाइंड करना जानते हैं, पाई आर स्क्वायर लिख कर कर लेंगे। अगर हमारे पास स्क्वायर है तो इसकी भी एरिया फाइंड करना हम जानते हैं, साइड का स्क्वायर भुजा का वर्ग। और अगर हमारे पास कोई आयताकार पटल है, आयत है, तो साइड इन लेंथ इंटू ब्रेथ करके लंबाई गुणे चौड़ाई करके हम निकाल सकते हैं। बट अगर कुछ इस तरह की आकृति आपको मिल जाए, इस तरह की आकृति मिले, तो आप बताएं कि इसका कैसे, इस कर्व के नीचे जो का जो पोर्शन है, सपोज करें कि यहां से ऐसे हम ले लेते हैं और ये पोर्शन हम, तो इसकी एरिया कैसे फाइंड करेंगे। यही पे आता है कॉन्सेप्ट ऑफ डेफिनेट इंटीग्रल, डेफिनेट इंटीग्रल का कॉन्सेप्ट यही पे आता है। अब क्या करें कि हम इसको क्या करते हैं, छोटे 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 स्ट्रिप काट लेते हैं। तो अब ये वाला पोर्शन क्या हमको रेक्टेंगल नहीं दिख रहा है, ये वाला पोर्शन क्या हमको रेक्टेंगल नहीं दिख रहा है, ऐसे हमने यहाँ पे काट लिया। तो ये सब के सब और भी छोटा कर लेंगे, जितना छोटा करेंगे हमको ये वाला पोर्शन एकदम एग्जैक्ट मिलने लगेगा, तो रेक्टेंगल। और हर रेक्टेंगल हर आयत का एरिया फाइंड करके हम उसको ऐड कर दें, तब हम निकाल ले सकते हैं। और ऐड करने का काम करता है समाकलन, जो हम लोग पढ़ रहे हैं यहीं पे। अब इसके जो हमारा कर्व है, वक्र है, उसके नीचे की एरिया हमको मिल जाएगी, क्षेत्रफल मिल जाएगा, यही काम करता है। अब इसको डिनोट कैसे करते हैं, तो डिनोट करने का हमारे पास x बराबर ये, x बराबर b, और इसका नोटेशन होगा a to b f(x, d), और ये फंक्शन है हमारा y = f(x), ये फंक्शन y = f(x), तो a to b f(x, d) ये मिला। अब आपको यही फॉर्मूला, अब a को बोला जाता है निम्न सीमा और b को बोला जाता है उच्च सीमा, इसको कहते हैं लोअर लिमिट, इसको बोलते हैं अपर लिमिट। बाकी सेम रूल वही लगेंगे जो हम लोग अभी तक पढ़े हैं। अब इस पर एग्जांपल करेंगे, और फिजिक्स में मोस्टली डेफिनेट इंटीग्रल का ही यूज होता है, हर जगह डेफिनेट इंटीग्रल का ही यूज होगा, तो आप इसको केयरली देखेंगे। अब ये क्या कहते हैं, ये अगर इसका एफ एक्स जो फंक्शन है, अगर डिफ्रेंसिएशन मान लें कि कैपिटल एफ एक्स निकल गए, तो हम फर्स्ट ऑफ ऑल करते हैं कि एक्स, इस एक्स की जगह पर जो हमारा उच्च सीमा है उसको रखते हैं, फिर माइनस लगाकर जो निम्न सीमा है उसको रखते हैं। तो पहले उच्च सीमा माइनस निम्न सीमा। अब इस पर एग्जाम्पल समझे तब आपको समझ में आएगा। हमारे पास 2 to 3 x²d, तो पहले आप उच्च सीमा और निम्न सीमा पर मत जाइए, जो हम लोग हमारे पास फंक्शन क्या है x², तो x² का पहले हम क्या कर लेंगे, इंटीग्रेशन कर लेंगे, समाकलन। तो ये कितना हुआ, इसमें एक पावर जुट गया, एक पावर नीचे आ गया। अब यहाँ पे 2 और 3 रख देंगे। अब देखिए कि 2 आ गया 3 आ गया। अब x की जगह पर हम पहले कौन रखेंगे, उच्च सीमा, फिर माइनस लगाकर x की जगह पर क्या रखेंगे, निम्न सीमा। तो चलिए 3/3 − 2/3/3, 3/3 का मतलब हो गया 27 और 2/3 का मतलब हो गया 8 − 8/3। अब ये सबट्रैक्ट किए तो 19/3। अब एक चीज आपको देखने को मिल रहा हो कि जो हमारा निश्चित समाकलन है उसमें कांस्टेंट नहीं जुटता है, कांस्टेंट नहीं जुटता है। उस वाले में जो हमारा अनिश्चित समाकलन था उससे हमको क्या मिलना था, वक्रों का परिवार, वक्रों का परिवार मिलना था, वक्रों का। और यहाँ पे क्या मिल रहा है, एरिया अंडर कर्व, मतलब वक्र के नीचे का। तो निश्चित समाकलन में कांस्टेंट नहीं जुटता है, ये आपको क्या करना है, कोने में गांठ बांध लेनी है, या यहाँ खोपचा में आपको लिख लेना है कि डेफिनेट इंटीग्रल में निश्चित समाकलन में कांस्टेंट नहीं जुटता है, खोपचा में कहीं लिख लीजिए इस बात को। अब आते हैं हम लोग, ये एक और एग्जाम्पल्स लेते हैं।
0 to 5 x+1 dx। अब पहले यहाँ पे दो फंक्शन है, दोनों को हम अलग कर लेंगे, 0 to 5 x dx प्लस 0 to 5 y dx। अब x का तो पावर 1 है, x² बाई 2, तो x² बाई 2 हो गया, और 1 का क्या हो गया, x हो गया। अब यहाँ पे इस x² की जगह पर पहले हम किसको रखेंगे, उच्च सीमा, फिर माइनस रखेंगे निम्न सीमा, तो 25 5/2 का हो गया 25, 25 -0/2, और ये 5 -0। अब इसी को हम ऐसे 25/2 + 5, 35/2, ये हमारा रिजल्ट मिल जाएगा। इसी पर एक एग्जांपल और ले लेते हैं, देन हम फाइनल कंप्लीट करते हैं ये टॉपिक। 1√3 1/1 + x² dx, तो ये किसका है, टैन इनवर्स एक्स का। तो हमने लिख लिया टैन इनवर्स एक्स और 1√3, अब एक्स की जगह पर √3 रखेंगे, फिर -1 रखेंगे। अब √3 टैन में कितने का होता है, 60 डिग्री का, और 60 को अगर हम रेडियन में लिखते हैं तो π/3, और 1 कितना होता है, 45 का, 45 को रेडियन में लिखेंगे तो π/4। अब 6 और 4 का एलसीएम ले लें और इसको सॉल्व कर लें तो हमको मिल जाएगा π/12। थैंक यू।